हेलो फ्रेंड्स, तो बोर्ड देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम कोलबर्ग की थ्योरी करने वाले हैं। और जो कोलबर्ग है, उन्होंने जो इम्पोर्टेंस है वो दी है हमारे मोरल डेवलपमेंट को। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट और मोरल रीजनिंग, इसको आप कॉग्निटिव मैच्योरिटी भी बोल सकते हैं कि हमारे अंदर कितनी समझ है, कितनी मेच्योरिटी है, किस चीज़ को हम कैसे देखते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमारा देखने का वे क्या है। ठीक है, इसमें ज़्यादा मतलब है। देखिए, अगर आप पढ़ने बैठे तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर मेन मेन चीज़ आप देखें तो इतना इनफ है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया हमारा कॉग्निटिव मैच्योरिटी, उसके बाद आ गया मोरल डिलेमा। ठीक है, तो जो डिलेमा है वो होता है कि मतलब कि किसी भी सिचुएशन में आपके सामने कोई बहुत ज़्यादा ना आप कंफ्यूज होना, कि किसी भी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होना कि ये चुनूँ या ये चुनूँ। ठीक है, कई बार हमारे सामने होता है, बच्चा है, बच्चे को बोला कि ठीक है भैया, मतलब तुम्हें पिज्ज़ा खाना है, चाउमीन खानी है। ठीक है, तो बच्चा सोचेगा यार दोनों ही मेरी फेवरेट है, मैं कौन सी लूँ। ठीक है, लेकिन ये बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा जो कन्फ्यूज वाला सीन हो गया यहाँ पे। लेकिन अगर हम लोग अपनी एज में देखें कि हमारे सामने अगर कोई ऐसा सिचुएशन हो जाए कि दो लोगों में से हमें एक इंसान को चुनना है हो और दोनों ही हमारे फेवरेट हो, चाहे वो भाई बहन हो, मॉम डैड हो, या कोई दोस्त हो, या कुछ भी। ठीक है, तो उसको हम जो एक कंफ्यूजिंग वाला जो सीन हो जाता है ना हमारे सामने, हम बच्चे को भी बोलते हैं अच्छा बताओ, चलो हमने ये क्वेश्चन है, इसके दो ऑप्शन है, बताओ विच वन इज राइट। ठीक है, कौन सा सही है। बच्चा भी सोचता है यार दोनों ही ठीक हो सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ भी जैसे ऑप्शनल केस में आते हैं, एग्जाम में ही आते हैं। ठीक है, तो हम सोचते हैं यार कौन सा ठीक होगा। तो जब ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, तो उसको ये कोलबर्ग ने बताया है कि ऐसी सिचुएशन जब आती है, तो जो बच्चा उस सिचुएशन से बाहर निकलता है या उसको सॉल्व करता है, तो उसको हम बोल सकते हैं उसका मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल रीजनिंग और कॉग्निटिव मैच्योरिटी, कि वो किस तरीके से सोच समझ के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कैसे उससे आगे बढ़ता है, या कैसे एक सही और गलत रास्ता चुनता है कि ये ठीक है या नहीं है। दूसरी बात, वो ये बोलते हैं कि अगर एक बच्चा एक चीज़ को चुन लेता है, ठीक है, अगर हमने बोला कि हमें इस रास्ते पे जाना चाहिए तो जल्दी पहुंचेंगे, या इस रास्ते पे जाना चाहिए तो जल्दी पहुंचेंगे। ठीक है, अब बच्चा हम लोग हैं, चलो ठीक है, हम लोग सोच रहे हैं कि हमें इस पे जाना चाहिए, इस पे जाना चाहिए, तो हमने पूछा, ठीक है, और किसी ने चुन लिया कि नहीं हमें इस रास्ते से जाना है। ठीक है, तो वो जो भी चुनेगा वो अपने प्री एक्सपीरियंस से ही चुनेगा। ठीक है, लास्ट टाइम मैं इस पे गया था, लेकिन इस पे तो मतलब कि ना ये रोड सही नहीं है, तो क्यों ना हम थोड़ी देर से पहुंचेंगे, लेकिन हम इस रोड से चलते हैं। ठीक है, दूसरा सोचेगा नहीं यार इससे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है कोई नहीं, कैसी भी रोड पर पहुंचेंगे तो जल्दी। ठीक है, तो वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, जो उसने पहले गेन कर रखा है, जिसका स्कीमा उसके माइंड में ऑलरेडी बना हुआ है, उसके आधार पे वो कोई भी चीज़ को यहाँ पे चुनेगा। तो उसको हम बोल सकते हैं कॉग्निटिव, कि मतलब पहले से ही हमें उस चीज़ की समझ है, और यहाँ पे मैच्योरिटी मतलब कि हमने उस नॉलेज को कैसे यूज़ किया और हमने सही या गलत का फैसला किया और दो चीज़ों में से एक चीज़ करेक्ट चुनी। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है इसके जो लेवल हैं, वो लेवल यहाँ पे 3 हैं, वो मैंने आपको बता दिए, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पास्ट कन्वेंशनल। अब इनके जो स्टेजेस होते हैं वो 6 होते हैं, ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है ना, ये पूछा जाता है हाउ मेनी लेवल्स और ये स्टेजेस, ये कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अदरवाइज अच्छा, इनके नाम भी मैंने आपको बता ही दिए। अब देखो, प्री कन्वेंशनल के 2 होते हैं, कन्वेंशनल के 2 होते हैं, पास्ट कन्वेंशनल के 2 होते हैं। यहाँ पे मैंने इनको इसलिए मेंशन नहीं किया कि इनके ना बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है, मतलब कोई कुछ भी बोल देता है, कोई कई सारे नाम इसलिए होते हैं कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी ना, तो जैसे क्वेश्चन में वो अगर एग्जांपल आ रहा है, तो दैट मींस वो हमारा प्री कन्वेंशनल से कनेक्ट हो रहा है या हमारा कन्वेंशनल से कनेक्ट हो रहा है, तो उसी बेसिस पे आप इसको बताएंगे। ठीक है, अब जैसे हम प्री कन्वेंशनल देखते हैं, ठीक है, प्री कन्वेंशनल में हम क्या देखेंगे कि बच्चा जो है वो सेल्फ सेल्फ इंट्रेक्शन देख रहा है, कि मतलब मेरा क्या फायदा होगा। ठीक है, कि अगर मम्मा बोलेगी जाओ बेटा जाके ना ये सामान ले आओ, ठीक है, तो बच्चा सोच रहा है इसमें मेरा क्या फायदा है, मैं क्यों लेकर आऊँ। तो मम्मा बोलेगी चल ठीक है, मैं तेरे को 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे दूंगी, 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे दूंगी, तो फिर वो अपना फायदा देख रहा है और फिर वो घर का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हैं प्री कन्वेंशनल। ठीक है, कि मतलब वो सेल्फ इंट्रैक्शन,
वो सेल्फ इंट्रैक्शन देख रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है कि दूसरा इसमें क्या है, टिट फॉर टैट बोल सकते हैं, मतलब कि आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं हम बोलते हैं बेटा आपने इसको क्यों मारा, वो बोलते हैं पहले मुझे इसने मारा था, ठीक है। तो अब उसके माइंड में एक जो है एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर इसने मुझे मारा तो मुझे इसे मारना है, हालांकि होगा कुछ नहीं, मतलब कि मारने के बाद ही उसको ऐसा लगेगा हाँ मैंने बदला ले लिया, उससे होना कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन उसकी एक संतुष्टि हो गई कि हाँ इसने मुझे मारा तो मैंने भी इसे मार दिया, ठीक है। इसने मेरे साथ अच्छा किया तो मैंने भी इसके साथ अच्छा किया, इसने बुरा किया तो मैंने भी इसके साथ बुरा किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप टिट फॉर टैट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो, अब इसमें से अगर कोई ऑप्शन आप ये मत सोचना कि ये इसके नाम है, ठीक है, ये इसके नाम बिल्कुल नहीं है, इसीलिए ना मैं यहाँ पे लिख नहीं रही थी इसको, ठीक है। ये इसके नाम नहीं है, बस एक एग्जाम्पल के लिए कि मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि ठीक है कि राहुल ने श्याम को मारा फिर श्याम ने भी राहुल को मार दिया, तो जो श्याम है उसकी जो कॉग्निटिव मेंटेलिटी है वो किस किस स्टेज की है, ठीक है, किस स्टेज की है, वो जो स्टेज है वो है प्री कन्वेंशनल स्टेज की है और लेवल फर्स्ट की है, ठीक है। तो आप ऐसे बता सकते हैं। दूसरा जो कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल में क्या होता है कि कई बच्चे होते हैं ना जैसे कि मुझे तो सबसे बेस्ट बनना है, मुझे सबसे अच्छा बनना है, अगर किसी ने बोल दिया कि वाह यू आर अ वेरी गुड बॉय, ठीक है, तो वो बहुत खुश हो गया, ठीक है, कि मतलब मैं सबसे सुपीरियर हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, ठीक है। ये बातें ना बड़े लोगों में भी हम देखते हैं, ठीक है, कि मैं सबसे अच्छा रहूँ, ठीक है, चाहे मैं कितना भी गलत हूँ लेकिन मुझे सब अच्छा समझे, ठीक है। तो जो एक बच्चे में एक ये चीज़ होती है ना कि कोई भी मुझको ख़राब ना बोले, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, पूछते हैं कि अच्छा बेटा कि इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, आपके कितने मार्क्स आए थे, ये ऐसे, तो जिसके अच्छे मार्क्स आए होंगे वो तो बड़ा हाँ भाई मेरे 90% मार्क्स आए थे, मेरे 95%, अब जिस बच्चे के कम आए होंगे वो क्या करेगा, सैड हो जाएगा कि यार यहाँ पे भी ये लोग ये सब पूछ रहे हैं, ठीक है, और सबसे कम मेरे ही मार्क्स आए हैं, तो वो थोड़ा सा अपने आप को ना डाउन महसूस करने लगेगा। तो ये जो होता है ना कि अपने आप को गुड बॉय, ठीक है, गुड बॉय और गुड आप ऐसे ही समझ लो, क्योंकि इसका नाम नहीं है, मैंने लिख दिया ना फिर ये होगा कि नहीं, ये पर्टिकुलर वर्ड ही अगर आया तो ही, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ, ठीक है। दूसरा यहाँ पे होता है इमोशन, ठीक है, इमोशन दैट मीन्स कि अगर हम बच्चे को बोले बेटा आप ऐसे नहीं करो, देखो फिर आप ऐसे करोगे, फिर मैं आपसे बात नहीं करूंगी, ठीक है, फिर हमारी दोस्ती टूट जाएगी, तो हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा जो है वो इमोशनल चीज़ें समझने लगता है कि नहीं यार ये तो मेरी मम्मा को टेंशन हो रही होगी, मेरी मम्मा नहीं दुखी होंगी, नहीं मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें वो कन्वेंशनल में आती है। अब आ जाता है पास्ट कन्वेंशनल में क्या चीज़ें आ जाती है कि जो बच्चा है वो हर तरीके से डेवलप हो चुका है, ठीक है, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, तो अब वो क्या हो चुका है, पूरा डेवलप्ड हो चुका है। अब आप अगर आप उसको कोई भी बात बताते हैं तो वो उसके पीछे आपसे लॉजिक पूछेगा, और अगर वो चीज़ उसको पसंद नहीं आ रही है तो वो उसके लिए आवाज़ उठाएगा कि नहीं ये चीज़ गलत है। अब हम बच्चे से क्या बोलेंगे, अच्छा उसने तुझे मारा, तूने क्यों नहीं मारा उसको, तू भी मारता उसको, ठीक है। तो कई बच्चे होंगे नहीं ये चीज़ गलत है, मुझे उसे नहीं मारना चाहिए, ठीक है। कई पेरेंट्स ऐसे होंगे बेटा कोई बात नहीं, आपने उसने आपको मारा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, पर आपको नहीं मारना चाहिए था। तो बच्चा बोलेगा क्यों नहीं मारना चाहिए था, उसने मुझे मारा और मैं उसे कुछ भी ना बोलूं। तो इस तरीके के जो कन्वर्सेशन है ना कि बच्चा अपना राइट समझने लगता है, अपने लिए आवाज़ उठाने लगता है, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, वो अपने आप में ही अपनी एक दुनिया बना लेता है, तो वो आता है हमारा पास्ट कन्वेंशनल में। ये हो गया 5.6 पॉइंट में, ये होता है कि वो अपने रूल्स खुद बना लेता है, ठीक है। जैसे अब मम्मा ने हम लोगों ने मम्मा ने या डैडी ने हमें घर में कोई भी रूल बताया कि बेटा देखो अगर कोई तुम्हारे सामने भूखा है, ठीक है, तो आप उससे अपना लंच शेयर कर लो, ठीक है। अब वो क्लास में जाता है वो क्या देख रहा है, कोई नहीं कर रहा, ठीक है, तो फिर मैं क्यों करूँ, है ना। कई बच्चों में ये चीज़ होती है। अब हम बच्चों को कोई चीज़ सिखाएं, कोई भी चीज़ सिखाएं कि बेटा अगर आपको कोई मारे तो आपको नहीं मारना है, ठीक है, आपको नहीं लड़ना है, आप अच्छे बच्चे हो, यहाँ पे वो सोचेगा कि नहीं मेरे को अच्छा बच्चा बनना है, मैं अच्छा बच्चा हूँ, ठीक है, यहाँ वो नहीं सोचेगा, यहाँ पे फिर उसका नहीं भाई वो मेरे साथ नहीं करना, मैं भी नहीं करूँगा, मतलब अपने रूल्स खुद बना लेना और अपने आप को सुपीरियर समझ लेना। तो ये जो है ये इनके तीन लेवल हैं, स्टेजेस मैंने आपको बता दिए, स्टेजेस के नाम मैं इसलिए नहीं क्योंकि इनका कोई फिक्स नाम नहीं है, इनके आपको ना कोई एग्जांपल दे दिया जाता है और एग्जांपल के अकॉर्डिंग पूछा जाता है कि ये जो है ये कॉलबर का कौन सा स्टेज है या कौन सा लेवल है, तो वो आप इसको समझ लेंगे तो आप अपने आप से इसको डिफाइन कर पाएंगे और
पर्टिकुलर श्रेणी में इनको डाल पाएंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ऐसे ही अपनी तैयारी करती रहें। आई एंड आई होप एंड आई प्रेयर फॉर यू कि आप सभी लोग बहुत 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 सक्सेसफुल होंगे।